हेलो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे तरोई से एक नई रेसिपी। तो आइए शुरू करते हैं। तरोई के आगे पीछे कट कर लेते हैं इस तरह से। तरोई को बीच से कट कर लेते हैं इस तरह से। सभी तरोई को काट कर तैयार कर लेते हैं। हमने 6 पीस छोटी तरोई लिया था, उसको धुल करके पीस में कट कर लिया है। कुकर में ऐड करते हैं। 3 टमाटर लिया है, 8-10 लहसुन की कलियाँ लिया है, 7 हरी मिर्च लिया है। सभी को कुकर में ऐड करते हैं। एक चम्मच सरसों का तेल ऐड करते हैं। हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, तरोई और टमाटर खुद पानी छोड़ता है। ढक्कन को बंद कर लेते हैं। एक सीटी आने तक कुकर को तेज़ आंच पर रखा है। एक सीटी आने के बाद हमने धीमी आंच पर 3 मिनट तक गला लिया है। खोल कर चेक करते हैं। सभी चीज़ें अच्छे से गल गई हैं। सभी चीज़ों को प्लेट में निकाल लेते हैं। टमाटर को बाउल में ऐड करते हैं। टमाटर का छिलका उतार लेते हैं इस तरह से। इसी तरह से सभी टमाटर के छिलके उतार लेंगे। तरोई को टमाटर में ऐड कर लेते हैं। लहसुन मिर्ची को ऐड करते हैं। इसे बारीक कूट लेते हैं। लहसुन मिर्ची को कूट लिया है इस तरह से, बारीक हो गया है। टमाटर और तरोई को मैश कर लेते हैं इस तरह से। सभी चीज़ों को अच्छे से मैश कर लिया है। कूटी हुई लहसुन और हरी मिर्च को ऐड करते हैं। एक मीडियम साइज़ को बारीक कट कर लिया है, ऐड करते हैं। प्याज को ऐड कर लिया है। धनिया को धुलकर बारीक कट कर लिया है, ऐड करते हैं। चम्मच भरवा मिर्चा अचार का मसाला ऐड करते हैं। स्वाद अनुसार नमक ऐड करते हैं। 2 चम्मच सरसों का तेल ऐड करते हैं। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। कटोरी में निकाल लेते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट तरोई का भरता बिहारी स्टाइल बनकर तैयार है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। आप भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। Thanks for watching my video.